मुंबई महाराष्ट्र में चुनावी दौर शुरू हो चुका है, 2017 का बिगुल बज चुका है और महानगर पालिका का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। अगर हम बात करें मुंबई चेंबूर विधानसभा की तो है वार्ड नंबर 154। इसी चेंबूर विभाग से हमारे साथ एक सीनियर एडवोकेट लक्ष्मण जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से काफी साल से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर लक्ष्मण जी के काम का अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में रह के काम किया है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जो पूरे भारतवर्ष में लोगों के हित में काफी अच्छा काम कर रही है। आइए हम लक्ष्मण जी से बात करते हैं कि चेंबूर विधानसभा में रह के वार्ड नंबर 154 में उन्होंने क्या क्या काम किया है, भारतीय जनता पार्टी से कितने साल से जुड़े हुए हैं। सर, सीए न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में कितने साल से जुड़े हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में करीबन पिछले 30 साल से जुड़ा हुआ हूं। मैंने उस समय काम करना शुरू किया पार्टी में जब भी पार्टी के पास केवल 2 सीटें थी और हमारे पास एक ही नारा था, अंधेरे में एक चिंगारी, अटल बिहारी अटल बिहारी। उस वक्त पार्टी को कोई मान देता नहीं था, मगर हम अपनी पूरे क्षमता के साथ में पार्टी से जुड़े हुए थे। जगह जगह गली गली जाके मोर्चा करते थे, कंधे पे कुर्सियां उठा के जाते थे, झोपड़पट्टी जनता परिषद का काम, विषयंदु परिषद का काम, बजरंग दल का काम और विद्यार्थी परिषद का काम बहुत ही मतलब सालों से किया हुआ है और भिन्न भिन्न पोजीशंस पे किया हुआ है। और ऐसा है कि जो पार्टी ने जवाबदारी दी वो हमने की। अभी 1989 में जैसा कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव था और वहाँ हमारे मधु देवलेकर जी खड़े हुए थे, उस वक्त मुझे जवाबदारी दी गई थी कि किस तरह का आपको ये अंधेरी विभाग का काम संभालना है। अंधेरी विभाग का उस वक्त मैंने काम संभाला और सबसे ज्यादा मत हमने अंधेरी विभाग से मिले। अगर बात की जाए चेंबूर की, चेंबूर विधानसभा की, तो आप चेंबूर के इस वक्त रहवासी हैं और क्या कहना चाहेंगे कि चेंबूर विधानसभा में ऐसे क्या क्या काम होना चाहिए और आप जब इतने साल से रहे तो चेंबूर में क्या क्या विकास हुआ है, आपने क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त चेंबूर की जो पहली बात की जाए, चेंबूर में विकास के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं जो विकास कार्य होने चाहिए, अब तक हुए नहीं हैं। यहाँ कारण बहुत सारे लोगों को ध्यान गया नहीं है या जिनका ध्यान गया भी है तो उनको क्षमता नहीं है उस कार्य को संभालने की और करने की। अभी देखिए, इसका जो मेन मुद्दा है, जो MS बिल्डिंग हो गया, ओल्ड बैरक हो गया, न्यू बैरक्स हो गए, साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, ये सब बहुत ही संगीन मुद्दे हैं। जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत पार्टी थी, लेकिन जब कांग्रेस का सत्ता आया तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोफाइल थी, लोग जो कार्यकर्ता थे वो नम रह चुके थे क्योंकि कांग्रेस की सत्ता थी। लेकिन जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं की जरूरत थी उस वक्त एडवोकेट लक्ष्मण जी ने पार्टी में रह के मोर्चा संभाला और कई मुद्दों पे उन्होंने काम किया। सर, क्या कहेंगे जब पार्टी का प्रोफाइल देखा जाए, जब आपकी सरकार नहीं थी उस वक्त काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा था लोगों को, तब आपने कौन कौन से ऐसे बड़े काम किए? उस वक्त देखिए कई मुद्दे थे, जैसा कि हमने जो स्टूडेंट्स का पैनल था विद्यार्थी परिषद का कॉलेजेस में लगाना, जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी की इलेक्शंस थी उसमें मेन मुद्दा काम करना, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी जो मेरे को विभाग अंधेरी मिला हुआ था उस समय में, उस वक्त हमारे पार्टी को मैक्सिमम मेजोरिटी मिली। उसके बाद में हमारा नवा अधिवेशन, नेशनल अधिवेशन हुआ था सन्मुखानंद हॉल में, वहाँ मुझे प्रेस कमेटी में जवाबदारी दी गई थी। उसके बाद में हमने बहुत सारे ऐसे काम किए, जब जब पार्टी की, जैसा कि बॉम्ब ब्लास्ट का केस हुआ था, तो बॉम्ब ब्लास्ट केस के समय में हमारे डेप्यूटी CM, हमारे अपोजिशन लीडर गोपीनाथ जी मुंडे थे, उस वक्त असेंबली में कौन से प्रश्न उठाने हैं पार्टी के हिसाब से, उन प्रश्नों की तैयारी मैंने की थी, जो और वो प्रश्न हमने दिए थे और वो हमारा पार्टी का पावर में आने से पहले ये हमारा लास्ट सत्र था जिसमें हमने क्वेश्चंस उठाए थे और वो तैयारी पूरी मैंने की थी। जब और उसके बाद में लीगल सेल की जवाबदारियाँ थी मुझे, लीगल सेल मुंबई की जवाबदारी थी, लीगल सेल जिला की जवाबदारी थी और महाराष्ट्र की जवाबदारी थी। जब अन्ना हजारे ने कुछ केसेस फाइल किए थे हमारे कुछ लीडर्स के ऊपर, उनके कुछ व्यक्तित्व के ऊपर और उनके जो भाषण थे उनके ऊपर, तो वो केसेस मैंने डील किए थे और वो केसेस मैंने हैंडल किए थे। और बीच में हमारी जो विश्व हिंदू परिषद की ऑफिस है उस पे ऊपर हमारा मोर्चा बोल दिया था NSUI के लोगों ने। NSUI हमारे प्रवीण तोगड़िया जी थे, उन्होंने कोई उस स्टेटमेंट जो भी हुई थी कुछ बातें
तो उन्होंने एनएसयूआई के लोगों ने हमारे विश्व हिंदू परिषद के हल्ला बोल दिया था, और वो जो केस हुआ था और हमारे लोगों को संभालना वो मैंने किया था करके उस जवाबदारी मेरे पास थी उस समय। अगर बात किया जाए लक्ष्मण जी का, तो लक्ष्मण जी पार्टी में रह के पार्टी ने जो जवाबदारी दी थी उसको सही तरीके से निभाया। अगर विकास की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में रह के उन्होंने काफी विकास किया है। मुद्दा छोटा हो या बड़ा, हर हर तरह के मुद्दे लक्ष्मण जी के ऊपर दिया जाता था और उसे काफी ईमानदारी से अपने काम को पूरा करते थे। एडवोकेट लक्ष्मण जी सिंधी परिवार से जुड़े हुए हैं, अगर देखा जाए तो सिंधी समाज काफी लायक करता है इन्हें। युवा संघ हो, सिंधी समाज का युवा संघ हो या कोई भी, हर एक कोई इन्हें लायक करता है। आइए हम उनसे बात करते हैं। वार्ड नंबर 154 से अगर पार्टी इन्हें टिकट देती है तो क्या इनकी प्रक्रिया होगी, किस तरह ये चुनाव लड़ेंगे? सर क्या कहेंगे, अगर पार्टी आपको टिकट देती है वार्ड नंबर 154 से, क्या प्रक्रिया होगी आपकी काम करने की? देखिए 154 वार्ड जो है बहुत सारा मुझे परिचित है और बहुत सारे लोग मेरे को परिचित हैं। मैं बहुत सारे लोगों को घर से जानता हूं, दिल से जानता हूं, और मैं जब पार्टी की टिकट मिली तो मुझे पूरी खातरी है कि लोग मुझे पूरा पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि इस वार्ड में जितना भी संगठन है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चैरिटेबल हो, हॉस्पिटल हो, एडुकेशनल हो, ऑलमोस्ट सब संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सब ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे सोसाइटीज़ का जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो मेरे से परिचित हैं पर्सनली, तो मुझे पूरा पूरा सहयोग करेंगे और मुझे पूरी खातरी है कि मैं उनको जब दिल से जानता हूँ तो मेरा कार्य में कोई दिक्कत आएगी नहीं और पार्टी का नाते और पूरे जोर शोर से काम करेंगे। लक्ष्मण जी का कहना है पार्टी अगर मुझे जवाबदारी देती है, मैं अगर वार्ड नंबर 154 से चुनाव लड़ता हूं, जीतने के बाद पार्टी जो भी मुझे काम देगी उसे मैं ईमानदारी से पूरा करूंगा। रही बात वहां की जनता के विकास की, उस इलाके की विकास की, तो आइए बात करते हैं कि उस इलाके में वार्ड नंबर 154 में क्या क्या विकास करेंगे। सर वार्ड नंबर 154 में आप क्या क्या विकास करने की कोशिश करेंगे जीत के आने के बाद? देखिए इस वार्ड को बहुत सारे विकास की जरूरत है, जैसे कि हमारे पास MS बिल्डिंग, ओल्ड बैरक, न्यू बैरक, ये सब हैं, इनको काफ़ी नज़दीक से देखना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा। और जो करस्पॉन्डेंस है, जो हमको सिर्फ करस्पॉन्डेंस करके लेटर करके छोड़ना नहीं है, हमको वो पूरी तरह के उसका नतीजे पे पहुंचना है। साथ में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोल्यूशन है, ये जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको देख के हम उसको सॉल्व करेंगे। और न सिर्फ करेंगे हम उसको, क्या जो बंदा समझ सकता है चीज़ों को वही कर सकता है, और मुझे पूरी पूरी खातरी है कि इस काम में पूरा सहयोग करके हम इसको पूरा कंक्लूजन पे लाएंगे। सर क्या कहेंगे, आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? देखिए यहाँ के 154 के जितनी भी एजुकेशन संस्थाएं हैं, नेशनल सर्वोदय हो गई, स्वामी सनातन धर्म हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गया, साधु आसवानी स्कूल हो गया, इनसे सबसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ चेंबूर का जो लायंस क्लब है उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सदगुरु स्वामी जयरामदास हैं संस्थान है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और कई सालों से उसमें कार्य कर रहा हूँ। सबसे भारतीय सिंधु सभा जो ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रही है, उस ऑल इंडिया लेवल का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी पे हूँ। और ऐसे कई संस्थान हैं जो सोसाइटीज़ हैं जिनमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनका सालों से उनका काम कर रहा हूँ। तो इस दौरान इस जो वार्ड में जितने भी कनेक्टेड सोसाइटीज़ हैं, सेठ हाइट हो गए, नौजियन हो गई, बसंत पार्क हो गए, ऐसे कई सोसाइटीज़ हैं जिनके साथ जुड़ा हूँ, तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं काम करने में, और सबका साथ जरूर मिलेगा, और सबका साथ पहले से है, आगे से और जबरदस्त मिलेगा। ये बात तो सच्ची है। लक्ष्मण जी का कहना है कि मैं वकील होने के बाद लोग काफी पहचानते हैं, लोगों का जो काम है सोशल वर्क हो या मेडिकल के हिसाब से हो, हर एक काम करने की कोशिश करते हैं। कैमरा में मिथिलेश के साथ राज पांडे, CN News, मुंबई।